तो कैसे हो बच्चों? अच्छे हो ना? तो ठीक हो तो चलो एचसी वर्मा का न्यूमेरिकल बनाते हैं। उठ जाओ, सुबह हो गया है। नहीं, थोड़ा पढ़ लो। क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, कहता है ए पार्क हैज ए रेडियस ऑफ 10 मीटर। कोई पार्क है जिसका रेडियस है 10 मीटर। ठीक है, सिंपल सी बात है। मान लो कि इस प्रकार का कोई पार्क है जिसका जो रेडियस है, जिसका रेडियस कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। मान लो ये वाला जो रेडियस है ये 10 मीटर का है। और कहता है इफ ए व्हीकल गोज राउंड इट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर इसका सॉल्यूशन कर लो तो स्पीड यहां पर दे दिया गया 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 से 18 कट गया तो v इज इक्वल टू हो गया 5 मीटर पर सेकंड। रेडियस दिया गया 10 मीटर। तो कहता व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग 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 एंगल, या इसी को हम लोग पढ़े थे बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, ये मत समझना कि बैंक जो रुपया रखने उखने वाला बैंक है वो, ना रे, किनारा वाला, रोड का किनारा वाला बैंकिंग नहीं, अब वो भी सर्कुलर ट्रैक का बैंकिंग रोड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है बैंकिंग ऑफ रोड के लिए, टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहां पे लिख दो टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन r, r का वैल्यू 10 और g का वैल्यू भी 10, यानी 5 × 5 = 25/100। काट दो, 1/4 आ तो गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो इसीलिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/4। आंसर आया समझ में? जी सर आया। तो आया तो ठीक, नहीं आया तो तुम बैल, गधा, एकदम बेकार, लेकिन आ गया होगा। आई होप कि आप इसे लिखोगे, वीडियो को पॉज करो, लिखो, और मैं चलता हूं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। आ जाओ बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ द रोड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, पहले वाले प्रॉब्लम में कह रहा है, यानी पहले वाले प्रॉब्लम का मतलब क्या, सब नहीं रे, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इज हॉरिजॉन्टल। वो हॉरिजॉन्टल में दिया गया था, अब मतलब बैंकिंग के लिए दिया गया था, वो हॉरिजॉन्टल में लेना है और बैंकिंग नहीं लेना, मतलब रोड को तिरछा अब नहीं करना। ठीक, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सो दैट ए स्कूटर गोइंग एट 18 किलोमीटर पर आवर डज नॉट स्किड। यदि कोई स्कूटर 18 किलोमीटर पर आवर से अगर जा रहा हो तो अगर वो स्किड नहीं करता है तो उस कंडीशन के लिए मिनिमम फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे निकालनी है। ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कोई स्कूटर अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो ऊपर में नॉर्मल लग जाएगा, नीचे में mg लग जाएगा, इधर की ओर उसका फ्रिक्शन μ.n लग जाएगा और इधर की ओर उसका mv² / r सेंट्रिपिटल फोर्स लग जाएगा। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसमें आपको स्पीड दे रखा है v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ गया 5 मीटर पर सेकंड। पिछले क्वेश्चन में रेडियस दे रखा था 10 मीटर, क्योंकि प्रीवियस प्रॉब्लम कह रहा है इसलिए पिछले क्वेश्चन का रेडियस ले लिए, यूज में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो और ठीक। नहीं, आ जाओ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पे निकालना इक्वेशन, ये वाला। तो यदि F = ma करें तो मैं अगर μ.n मान लू, μ.n इज इक्वल टू mAc। ठीक है, तो μ.n इज इक्वल टू m सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mv² / r, इक्वेशन 1।
अब हम इक्वेशन निकाल लेते हैं अलोंग वर्टिकल। वर्टिकल में तो तुमको देखने से ही पता चल गया हो सर एन बराबर एम जी। हाँ तुम सही सोच रहे हो, क्योंकि अब तुम बैल नहीं रहे, थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है फिजिक्स, इसीलिए तुम अच्छे बनने जा रहे हो। तो एन बराबर एम जी इक्वेशन आ गया टू। अब क्या करो, इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन। तो इक्वेशन टू एन बराबर एम जी, इक्वेशन वन है तो म्यू डॉट एन इधर से एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको बड़ा आर मान लेते हैं, इस इक्वल टू को बीच में लगाओ। एन ने एन को मार दिया, एम ने भी एम को मार दिया, तो बच गया वन बाई म्यू इज इक्वल टू, ये आर छड़प के ऊपर भाग जाएगा तो आर जी बाई वी स्क्वायर। नहीं अच्छा, ये तो आ गया। अब पहले आप इसको लिखिए, मैं इसको मिटाऊंगा तब ना आगे बढ़ोगे यार, इसमें जगह कहाँ है, लिखो जल्दी। तो बच्चों आप वीडियो पॉज करके इसे लिख लेना, मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपने इसे लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब जरा आ जाइए, तो अब हम लगभग आंसर के करीब आ ही गए हैं। तो अब देखो वन बाई म्यू इसको पलटोगे तो एक तो ऐसे निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू म्यू, ऐसे हो जाएगा। तो हमको म्यू निकालना है, ये देखो ना वी स्क्वायर इंटू वन वी स्क्वायर और आर जी इंटू म्यू, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए तो म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। वी का वैल्यू कितना है सर, वी का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 इंटू फाइव यानी 5 का स्क्वायर 5 इंटू फाइव, बाई रेडियस कितना तो सर 10 है, जी कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 25 बाई 100। कट कर दो तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाई 4, हाय हाय वैल्यू निकल गया, और इसको कट कर दोगे तो 0.25। तो कहो सर लीजिए हमने आंसर निकाल दिया। हाँ तुम सही हो, आंसर को घेरा में नहीं लेना चाहिए। तो इधर म्यू का वैल्यू आ गया, तो जल्दी से इसको लिखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बच्चों अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर। चलो जो जो दे रखा है उसको लिखते चलो। रेडियस इज इक्वल टू 50 मीटर, हैज द एंगल ऑफ बैंकिंग इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा 30 डिग्री। एट व्हाट स्पीड शुड ए व्हीकल गो ऑन दिस रोड सो दैट द फ्रिक्शन इज नॉट ह्यूज, कितने स्पीड से व्हीकल जा पाएगा यदि बैंकिंग रोड हो तब, फ्रिक्शन का यूज वहां पे नहीं है। तो तुम जानते हो कि बैंकिंग ऑफ रोड का फॉर्मूला टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो टैन थीटा टैन 30 डिग्री तो इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी का वैल्यू निकालना है तो वी स्क्वायर बाय आर जी। आर 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 कितना 50 मीटर, जी कितना तो 10, ठीक है। चलो अब इसको क्या करो, सोल्व करो। तो वी स्क्वायर तो आपको निकालना ही है, नहीं तो वी स्क्वायर तो निकालना है, तो आप ऐसा कर लो टेन 30 डिग्री 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 500, इतना आ जाएगा। अब इसको आप क्या क्या कर सकते हो, तो वी स्क्वायर तो हमको निकालना ही है, नहीं तो आप ऐसे कर लो, तो आप इसको ऐसे कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो वी स्क्वायर इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 500, तो वी स्क्वायर बराबर 500 बाई रूट 3। तो 500 बाई रूट 3 की वैल्यू 1.732 कट कर दीजिएगा, जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 288.67 के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, ठीक है। और इसका रूट तोड़ लीजिएगा
तो आ जाएगा 288.67 का रूट तोड़िएगा तो ये लगभग आ जाएगा 16.99 के अप्रोक्स, या आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 17 मान सकते हो, 17 मीटर पर सेकेंड आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को आप लिखिए, इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर होगा हम लोगों का 9। तो बच्चों अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी बोहर मॉडल के हाइड्रोजन एटम में कहता है द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज ए पार्टिकल गोइंग इन ए सर्कल विद द सेंटर। पूरा क्वेश्चन देखो, इतना लंबा क्वेश्चन है यार, देख आसान है। देखो क्या कहता है, इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम के बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग कहता है द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज ए पार्टिकल गोइंग इन ए सर्कल, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी सर्कल के, ठीक है, वो पार्टिकल का बिहेव कर रहा है जो किसी सर्कल पे क्या कर रहा है, अपना वर्क कर रहा है। फिर कहता है विद द सेंटर एट द प्रोटोन, ठीक, कहता है द प्रोटोन इटसेल्फ इज एज्यूम्ड, ठीक है, प्रोटोन को आप मान लीजिए, ठीक है, उसको टू बी फिक्स्ड इन एन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम में प्रोटोन को आप फिक्स कर दीजिए। तो कहता है द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्ब अट्रैक्शन, ये कूलम्ब्स एक लॉ होता है जो आपको 12 में पढ़ना है। तो हम यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और कूलम्ब लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग आप फोर्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, 12 के फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मिलेगा ये। Q1 जो होता है और Q2 जो होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए उसको E से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बाय द कूलम अट्रैक्शन, ये हो गया। फिर कहता है इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में द इलेक्ट्रॉन गोज राउंड द प्रोटोन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, यानी उस ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटोन के अराउंड सर्कल पर क्या कर रहा है, घूम रहा है, नागिन डांस कर रहा है, ठीक, जिसका रेडियस दिया गया है, हम लिखते चलते हैं ऊपर में, अब रेडियस दे दिया गया 5.3 × 10⁻¹⁻ मीटर। फिर कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होगा, भी बराबर वाट। तो और गिवेन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एम गिवेन है 9.108 × 10⁻³¹ kg, आप पहले से जानते हैं, और अच्छी बात, नहीं जानते अभी जान लीजिए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब इतना हमने लिख लिया, इस क्वेश्चन का कोई काम नहीं, ठीक है, कितना भी लंबा क्यों ना हो क्या फर्क पड़ता है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन को मिटा लेते हैं और अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, आप नहीं मिटाइएगा, तुम नहीं कि तुम भी साथ साथ क्या करना, पेज फाड़ देना, नहीं फाड़ोगे, हमने अपने जगह के लिए इसको मिटा दिया। अब आ जाइए, तो ध्यान दीजिए बच्चों, इधर कूलम्ब लॉ, कूलम्ब लॉ जो है वह सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जा रहा है, तो इधर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इधर सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, कह रहा है कि यदि यहां पर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के अराउंड यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपने सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, जिसका मास यहां दिया गया, चार्ज यहां दिया गया, रेडियस ये दे दिया गया, भी निकालने के लिए कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Q1 बराबर Q2 बराबर Q, मान लो ये Q1 Q2 चार्ज होता है, ये 12 में फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, इसको मान लो E, तो क्या हो जाएगा, के इंटू ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, आर के स्क्वायर से आर खत्म, तो क्या मिलेगा,
मिल जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर बराबर एम वी स्क्वायर। तो यहां से वी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, तो एम क्रॉस होके नीचे आ जाएगा, तो के ई स्क्वायर अब बटा में एम इंटू आर। अब इसको नीचे ही मिटाते हैं, अब वीडियो को पॉज करके इसको लिखना, मैं नीचे वाला लाइन को सिर्फ मिटा रहा हूं। अब आ जाइए, तो इसके बाद तो भी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर के ई स्क्वायर बाय एम आर। अब आपको लगा सर ये के क्या है, भाई मेरे के होता है कूलम्स कांस्टेंट को लो, सॉरी क्या नया नया आ रहा है। वैसे बेसिकली अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन 12th का है, जब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो वहां पर स्पीड निकालना होगा इलेक्ट्रॉन का, तो वहां पर आएगा, लेकिन फिलहाल 11th में आ गया तो आने दो। हाँ एक चीज देख, अब वो टीचर जो ये कहते हैं कि 11th का यूज 12th में नहीं है, तो उनके मुंह पे ये तमाचा है ये क्वेश्चन, क्या इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है क्या सर्कुलर पाथ पे कर रहा है, तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन का सारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में लग जाएगा, जो 12 में पढ़ना है। 12 का लगभग पूरे चैप्टर में सब में ये यूज है। अब वो टीचर जो कहते हैं 11th इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मुंह फोड़ देना पहले तुम लोग, मेरा नहीं रे, हम बोल रहे हैं कि 11th इंपॉर्टेंट होता है 12 पढ़ने के लिए, मेरा नहीं। अब देख तो इस के का वैल्यू हम तुमको प्रूफ करके बताएंगे कि 9 × 10⁻⁹, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। अभी इतना समझो, अभी ये नहीं कि सर ये कहां से आएगा, ये 12 में हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप बच्चों कि आपने वीडियो पॉज करके लिखा होगा, मैं इस बीच से ये इतना क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं कि डिलीट कर रहा हूं, ना रे इरेज डिलीट नहीं। अब समझो, तो भी इज इक्वल टू रूट अंडर के का वैल्यू डाल दो 9 × 10⁹ इंटू ई स्क्वायर, ई चार्ज है यहां पर दे रखा है 1.6 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर अपॉन एम आर, एम भी दे रखा है 9.108 × 10⁻³¹ इंटू, अब इसके बाद क्या है आर, और आर यहां पे दे रखा है 5.3 × 10⁻¹⁹, यानी टोटली डाटा को, और ये सभी जो है ना ये रूट में ही है, ठीक है। जितने भी डाटा आपको दिख रहे हैं सारे के सारे डाटा किस में, रूट में है, और मैंने सभी वैल्यू को लिख लिया है, ठीक है। अब आप इस सारे वैल्यू को क्या करना, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन करना, फिर उसका रूट तोड़ना, ठीक है, और पूरा तोड़ने के बाद, ठीक है, इसकी आंसर आपको आ जाएंगी 2.185 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी लिखिए, 10 पे चलते हैं। तो बच्चों अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए स्टोन इज फास्टनेड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, किसी एक पत्थर को उसके एक एंड को स्ट्रिंग से बांध दिया गया, एंड इज वर्ल्ड, और बांध के यूं ऐसे 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 पूरा नचाया गया, ठीक है, इन ए वर्टिकल सर्कल रेडियस आर, और वर्टिकल सर्कल पे इस वाले पे जिसका रेडियस क्या है आर है, वर्टिकल सर्कल ये वाला, ये हो जाएगा वर्टिकल सर्कल ये वाला, ये वर्टिकल सर्कल जिसका रेडियस आर है। तो कहता है फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, जब ये पत्थर घूम रहा था तो ये लोएस्ट पॉइंट, घूमते घूमते यहां पे आएगा हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर आने के लिए उसका मिनिमम स्पीड कितना होगा। चलो आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं, तो तुम लिख सकते हो कि ए स्टोन इज वर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर,
यानी इस केस में ये देखो कि ये कैसे कैसे वर्ल्ड कर रहा है, मतलब कोई स्टोन है वह स्टोन वर्ल्ड कर रहा है किसमें, तो वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर, कोई वर्टिकल सर्कल हमने लिया है उस सर्कल पे इसको वर्ल्ड करा रहा है, तो जब उसको वर्ल्ड कराइएगा ऐसे घुमाइएगा, ठीक है, तो ये घूमेगा तो इस समय ये फोर्स भी तो लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर लगाएगा, और स्टोन जब ऊपर में जाएगा तो एम जी फोर्स भी लगेगा, एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर बाई आर बराबर जी, या फिर वी स्क्वायर बराबर आर जी, आर का तिरछा गुना हो जाएगा, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर जी, ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप बच्चों कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, हाँ आसान है ही, क्यों नहीं आएगा, तो जल्दी से आप पहले इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, जल्दी लिखिए इसको। तो बच्चों आई होप कि आपने पूरा लिख लिया होगा, और बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सब सभी को करने हैं, ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने सर्कुलर मोशन में 1 to 10 किया है, ये सभी बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी भी जीमेन नीट और एडवांस में आ ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ तो ये ऐसा कह सकते हैं आप कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एनडीए वगैरह हो गया, इस सब में ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो इसके लिए आप कर सकते हो। तो बच्चों आई होप कि आपने पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रहिए स्वस्थ, पढ़िए अच्छे से, बाय।